हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वारकी टेक न्यूज। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो आज मैं बात करूंगा वीवो V15 प्रो की। मतलब वीवो ने सोच लिया यार कि हैरान करते रहना है, मतलब अमेजिंग यार। वीवो V15 प्रो को देखकर ऐसा लग रहा है यार ये होगा कोई अलग, बिल्कुल अलग दुनिया का मिड रेंज। अब तक मतलब 6 महीने पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि यार ये फोन मिड रेंज में आने वाला है, लेकिन अब आ रहा है। तो सबसे पहले बात करूं अगर इस फोन की, तो पिक्चर देख सकते हैं कुछ ऐसा होने वाला है ये फोन। और फोन में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर होगा पॉप अप कैमरा, मतलब जो स्क्रीन होगी सामने की वो फुल बेजल लेस होगी। और जब आप कैमरा ओपन करोगे सेल्फी कैमरा, तो वो ऊपर से निकलेगा, पॉप अप होगा। तो एक बहुत अच्छा और न्यू फीचर है जो कि अब तक इनके वीवो नेक्स्ट में आया था, और अब डायरेक्ट वीवो ने उसको मिड रेंज में दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप बात करो अगर अदर स्पेसिफिकेशन इस फोन की, तो कमाल है, हर चीज कमाल है इस फोन में। एक तो यहाँ पर आपको H2H डिस्प्ले मिलेगा, ऊपर से सुपर एम्ब्रॉयड स्क्रीन मिलेगी, और यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलेगा वो भी बहुत ही कमाल है। यहाँ पर आपको बैक पे 3 कैमरा मिलेगा, और जो मेन कैमरे का अपर्चर है वो है 48 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी लेंस है वो है 8 मेगापिक्सल का, और जो थर्ड लेंस होगा वो है 5 मेगापिक्सल का। और जो सेल्फी कैमरा होने वाला है वो तो बहुत ही आला है, मतलब 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। मतलब इस फोन के बारे में जो बात करूं बहुत अच्छी है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे, आपने सब कुछ बता दिया, डिजाइन भी बहुत अच्छा है, स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, कैमरे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ये इतना पावरफुल है। तो यहां पर आपको एक मिड रेंज चिपसेट मिलेगा स्नैपड्रैगन का 675, जो कि आपके डे टू डे यूजर में कोई मसला नहीं करेगा। कोई भी गेम आप हाई एंड सेटिंग पे खेल सकते हैं, लेकिन इस फोन को आप इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस किसी बड़े फोन से कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 का प्रोसेसर मिल रहा है, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर और बहुत कुछ है ऐसा, जैसे कि आप ये फोन जब लोगे हाथ में, और जैसे ही आप सेल्फी कैमरा के लिए बोलोगे दोस्तों को सेल्फी कैमरा लेते हैं, तो पहला तो आप जब फोन निकालोगे तो लोग वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब ज्यादातर लोग फोन इसलिए लेते हैं यार दूसरे अट्रैक्ट होना, अच्छा लगे फोन। तो यहाँ पर आपको वीवो वो सब कुछ दे रहा है, और जैसे आप ये फोन निकालोगे सेल्फी लोगे तो सब जो है वो बोलेंगे यार क्या फोन है यार। तो ये वाकई एक ऐसी चीज है कि यार इसलिए ये आई थिंक ये फोन जो है बहुत सोल्ड आउट होने वाला है। खैर अगर ये आता है अच्छी प्राइसिंग में, वैसे जिसकी प्राइसिंग एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि 30,000 के अंदर होगा इंडिया में, और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70,000 के अंदर होगा ये फोन। खैर देखते हैं वीवो क्या कुछ करता है और कब तक लाता है पाकिस्तान इंडिया में ये फोन। होप सो जल्दी लाए, क्योंकि बेसब्री है बहुत इस फोन को आने की। मतलब इस फोन को एक अलग ही फोन है, तो देखने की बड़े दिल कर रहा है कि वीवो मिड रेंज में जो है इतना सब कुछ कर रहा है। खैर मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताएं कि अगर ये फोन आया तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।